हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टॉक ट्रेडिंग चैनल। भाई लोग बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में आज इसमें 7% के आसपास में सेलिंग हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि आज इसमें डिविडेंड का डेट था। आप लोग देख सकते हैं कि 6 दिसंबर को इसमें डिविडेंड का डेट था। जब भी कोई स्टॉक में डिविडेंड या बोनस मिलता है तो उसमें थोड़ा सेलिंग का प्रेशर आता है। और साथ में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 150 के आसपास का सपोर्ट था। इस लेवल को अभी सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि सपोर्ट को ब्रेक डाउन दिया, साथ में इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया है डेली टाइम फ्रेम में। और जिसको हम आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आज गैप डाउन खुलने के बाद आज कंटिन्यू इसमें सेलिंग रहा है। अधिक कल के दिन आज का लो को यदि ब्रेक डाउन देता है तो इसमें आप लोग इंट्राडे में शॉर्ट ले जा सकते हैं। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि इसका नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो लास्ट में इसका यहाँ पर है, इस लेवल का सपोर्ट ले सकता है। और यदि इसको हम लोग शॉर्ट पोजीशन में देखें और यदि हम लोग इस लेवल के आसपास से शॉर्ट करेंगे, 148 के नीचे यदि हम लोग शॉर्ट करेंगे इसको इस लेवल के आसपास, तो हम लोग का स्टॉप लॉस 3.5 रुपीज़ का हम लोग का स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं। इसमें 1:2 हम लोग का टारगेट होना चाहिए, इस लेवल का हम लोग का टारगेट होना चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।